कहते हैं ना, जब हमारा कठिन समय बहुत चल रहा होता है तब कठिन नहीं होता, जब हमारा समय कठिन चल रहा होता है, जबकि तब कठिन हो जाता है जबकि लोगों को ये पता चल जाता है कि हमारा समय कठिन चल रहा है। तो ये बहुत सही है, 100% मेरे लिए तो मुझे लगता है ट्रुथ है। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, कैसे हैं आप सब। और मैं हूँ नीमच एमपी में, और मैं यहाँ आई हूँ बहुत ही ज़रूरी काम से, क्योंकि यहाँ ये ना मेरे लिए एक तीर्थ स्थल जैसा है, क्योंकि मैंने जो विश मांगी थी ना, यहाँ यहीं से मुझे जो मेरी प्रॉब्लम थी, जो भी विश मतलब मैं मांगती थी भगवान से, यहीं से फुलफिल हुई थी। और मैं दोबारा आई हूँ और आप लोगों को घुमाऊँगी नीमच शहर, और नीमच कैसा है और क्या है। और अब हम जा रहे हैं बाहर, और देखिए कितनी पेड़ पौधे हैं, दिल्ली में भी पेड़ पौधे हैं, वहाँ मेनली पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा। और ये देखिए मोर भी है बेटा, जाओगे ना यहाँ आगे तो मोर भी है। और ये देखिए रोड तो है लेकिन बिल्कुल ट्रैफिक नहीं है, बहुत अच्छा लग रहा है। श्या वहाँ मत जाओ, जचता ही नहीं आँखों को कोई। देखो ना कैसे बोल रहे हैं पैरोट्स। अरे देखो, और रोड के जस्ट दूसरे साइड ना एक बिल्डिंग है बहुत बड़ी सी और बहुत अच्छे हाल में है, तो आइए जानते हैं उसके बारे में। पहले जान लें ये जो एरिया है ना, यहाँ यही बिल्डिंग के बारे में मैं बात कर रही थी। यहाँ पहले आज़ादी से पहले अंग्रेज़ों की छावनी हुआ करती थी, जो कि वर्तमान में भारत सरकार के जो CRPF पुलिस बल है उनको दे दिया गया है, और ये बिल्डिंग्स भी उन्हीं के काम में आती थी। ये आती है, आ रही है, और इसमें एक बटालियन रहती थी जो अभी तत्काल में दूसरे जगह शिफ्ट कर दी गई है। तो ये बिल्कुल खाली है, सुना साना है, और देखिए उतनी पुरानी बिल्डिंग कितनी अच्छी हालत में अभी भी खड़ी है। यहाँ बहुत सारी ऐसी बिल्डिंग है, दिखाऊंगी मैं आगे, और देखिए बिल्कुल एकदम अच्छी स्थिति में। ये ना पानी का पाइपलाइन है, तो आज़ादी के बाद इनको जो बिल्डिंग्स है और ये जो पूरा एरिया है ना नीमच का, इसको CRPF को सौंप दिया गया, और यहाँ CRPF अभी रहती है, बहुत सारी बटालियन CRPF की है। और देखिए कितनी पुरानी पुरानी बिल्डिंग्स हैं, और भी है बहुत सारी। ये बिल्डिंग कितनी अभी भी मजबूत दिख रही है। ये वही बिल्डिंग्स है और इनका रख रखाव किया जाता है CRPF द्वारा, और इनमें उनका कार्यालय चलता है, किसी ना किसी रूप में इनको यूज़ किया। ऑटोमेटिक तो वो हो गया ऑटोमेटिक, हाँ ये जवान अभी ये बना है। नीमच मार्केट, और बहुत अच्छा मार्केट है सचमुच, ये देखने में छोटा लगता है लेकिन यहाँ जो वैराइटीज़ है ना बहुत अच्छी है। और यहाँ से हमने किया है माता रानी के लिए कुछ शॉपिंग, तो मैं शेयर करूँगी आप लोगों से।